दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकृति पवार। कुछ दिन पहले वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक पाती लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था प्रकृति की पाती मानव के नाम, जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके लिए नेगी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी देवेंद्र जी सर ने मुझे अभी प्रेरित किया कि मैं उस पाती को जन सरोकार मंच के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करूं। इसके लिए देवेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब पाती शुरू करती हूं। पाती अर्थात पत्र। मेरे बच्चे मानव, अपनी माँ को नज़रअंदाज करके आनंद महसूस कर पाते हो? खुश हो तुम अब? बेटा, मेरे लिए तुम्हें नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ। बारिश के बाद बादल के पर्दे से झांकता सूरज, बालक सा बढ़ता इंद्रधनुष, एक पेड़ से दूसरे पेड़, नाचता चिड़ियों का झुंड, हवाओं में बहती मिट्टी की सुगंध, यह सब तुम्हें मनोहर तो लगते हैं, परंतु साथ ही तुम्हारे मन में मेरा अस्तित्व चित्रण मूल्यहीन होता जा रहा है। कितने दिन हो गए हैं ना खिलते हुए गुलाब को ठहर कर देखे, वर्षा के संगीत को आंखें बंद कर सुनते हुए। तुम नदियों के जल को दिन ब दिन मेला करते जा रहे हो, पेड़ों को काटकर पशु पक्षियों के घर छीन रहे हो। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यह सभी प्राणी उतना ही भोजन धरती और अन्य प्राणियों से लेते हैं जितना उन्हें आवश्यकता होती है, जिससे जैविक चक्र चलता रहता है व प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। परंतु नहीं, तुम नहीं, तुम अपनी जरूरत जितना कुछ खरीदो व उपभोग करो, यह तुम्हें छोटा महसूस कराने लगता है। तुम सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि भूख लालसा से बेहिसाब काटते हो। इसमें मैं अपना संतुलन खो दूं तो भी क्या, बस सेव नेचर की झूठी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर स्वयं को महान दिखाने की कोशिश करते हो। महानता दिखावे में नहीं, मन के अच्छे भाव से किए जाने वाले हर छोटे व बड़े कार्य में नहीं थे। परंतु अब तुम महापुरुष क्या पुरुष भी नहीं रहे हो। मानवता से तुम्हारा नाता दूर दूर तक नहीं रहा है। तुम अपनी स्वयं की जाति के भी कहाँ रहे हो। मैंने तुम्हें इंसान रूप में जन्म दिया, परंतु तुमने अपने आप को धर्म व जाति में बांट लिया। रंग भेद व धार्मिक उन्माद में तुमने कई जाने ली। लैंगिक भेदभाव व लालसा में तुमने कई कुकृत्य किए। ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया है, इस बात को समझो कि तुम स्त्री व पुरुष होने से पहले एक इंसान हो, तुम हिंदू व मुसलमान होने से पहले भी एक इंसान हो। इंसानियत ही तुम्हारा धर्म व कर्म है। जब तुम इस धर्म को भूलकर भेदभाव के रास्ते पर चलते हो, तो तुम प्रकृति द्वारा संसार को दिया एक खूबसूरत तोहफा नहीं, अपितु प्रकृति के नाश की ओर कदम बढ़ाने वाले राक्षस बन जाते हो। कोरोना जैसी अनेक महामारी जो मानव क्षति का कारण बनी, उसके जन्मदाता तुम स्वयं हो। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, यह सभी प्रकृति का कहर नहीं है, अपितु तुम्हारे कहर द्वारा हुए प्राकृतिक असंतुलन का भयंकर परिणाम है। 20वीं सदी के आधुनिक मानव देखो अपने पूर्वजों को, जो वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कई गीत गाया करते थे, मिट्टी में नहाती चिड़ियों को देखकर
वह बारिश का सटीक अनुमान लगाया करते थे। तुलसी के पौधे को घर में लगाते व वृक्षों की पूजा कर उनकी सुरक्षा करते थे। सूर्य को जल चढ़ाकर ही दिन की शुरुआत करते थे तथा अग्निदेव का पूजन अर्चन करते थे। नीर में नारायण निवास करते हैं की धारणा मन में रखते हुए नदी व कुओं की पूजा करते थे। इस तरह के कई रस्मों रिवाज से वह प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। परंतु तुम प्रकृति द्वारा वैज्ञानिकता से परिपूर्ण उपचार किए जाने वाली संस्कृति को छोटा मानकर केमिकल के जिस कुएं में कूद गए हो, क्या उस कुएं में स्वस्थ महसूस कर पा रहे हो? देखो बेटा, मेरा इरादा तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि सोई हुई नींद से जगाना है। वह नींद जिसने अहम की एक मोटी चादर ओढ़ रखी है। तुम प्रकृति द्वारा दिए जिस सुरक्षा कवच को वर्षों से छलनी करते जा रहे हो, उसकी अहमियत को समझो। समझो कि सृष्टि का निर्माण व विनाश प्रकृति में निहित है, वह प्रकृति कल्याण ही वास्तविक मानव कल्याण है। तुम्हारी माँ प्रकृति।